स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर दिख रही है, चुनाव है 17 तारीख को मध्य प्रदेश में और भाजपा प्रत्याशी ने पहली बार जो है पटवारी घोटाले को स्वीकार किया है। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो कांग्रेस ने कहा है, युवाओं ने कहा है पुरजोर तरीके से, और युवाओं के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है ना। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें जो किसान थे उन्होंने काफ़ी भावुकता से कहा था कि मेरा लड़का 5 साल से तैयारी कर रहा है और पटवारी भर्ती में किस तरह से घोटाला हुआ। ये पहला मौका है जब भाजपा प्रत्याशी हैं भिंड क्षेत्र के, उन्होंने ये कहा है कि पटवारी में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। वो यही नहीं रुके, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करूं, उन्होंने ये तक कह दिया कि आपको पता है ना कि वर्तमान सरकार में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा पिछले 5 साल में सड़क बनी नहीं, पेमेंट हो गए है ना, तो सड़क को लेकर भी उन्होंने जो है अपनी सरकार को घेरा है, ठीक है। कई घोटाले हुए हैं, आपको मालूम होगा पटवारी घोटाला हुआ है ना, कितना बड़ा घोटाला है। एक ही कॉलेज के 8-8 टॉपर निकले हैं, एक कॉलेज से 8 टॉपर। एक्चुअल में ये पूरा मामला समझते हैं, जैसे आपको पता होगा पटवारी में टॉप 10 जो है वो NRI कॉलेज के हैं, और NRI कॉलेज जो है वो भाजपा के पूर्व विधायक, मतलब इस बार जो है संजीव कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, वो बहुजन समाज पार्टी से अपना टिकट लड़ रहे हैं, और जो संजीव सिंह कुशवाहा हैं वो इससे पूर्व जो है भाजपा में थे, और इसी दौरान पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था। इन्हीं के कॉलेज है NRI कॉलेज जो कि भिंड में है, और इन्हीं के कॉलेज में घोटाला हुआ था। तो एक्चुअल में तो ये जो मंत्री महोदय हैं नरेंद्र जी, ये घेरना तो चाह रहे थे नरेंद्र जी को, माफ कीजिए संजीव जी को, लेकिन ये बोलते 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 कब अपनी सरकार पर ही आरोप लगाने लगे उनको खुद पता नहीं चला। आगे पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। दरअसल भिंड विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी से बगावत कर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने भाजपा मतलब बहुजन समाज पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने यहां पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, अब तक मतलब अभी तक जो जब तक चुनाव की डेट नहीं हुई थी, पिछले 1 महीने पहले तक संजीव सिंह कुशवाहा जो है भिंड क्षेत्र के विधायक थे, और इन्हीं के कॉलेज से टॉप 10 में से 8 जो हैं, 8 जो निकले हैं, जिसमें से आपको पता होगा हमारा टॉपर कैसा हो, पूनम शर्मा जैसा हो, इस तरह के कई तरह के जो हैं, सागर में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था टॉपर्स को लेकर, वहीं से 7 के 7 टॉपर निकले हैं। और जब ललन टॉप और कई सारे मीडिया संस्थान ने इनका इंटरव्यू किया, दैनिक भास्कर ने भी कोशिश की, तो ये या तो इंटरव्यू से बचते रहे या कोई भी जवाब, जो सामान्य सवाल हैं उनके भी टॉपर जवाब नहीं दे पाए थे। इसमें और आगे जरा समझिए, पूर्व विधायक, इनका पूरा नाम है नरेंद्र सिंह, और ये विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे थे और उन पर घपले करने, घोटाले करने के आरोप वगैरह लगा रहे थे, ठीक है। इसके कारण ग्वालियर के सभी कॉलेज में पटवारी परीक्षा के टॉपर निकले हैं, ये सारी चीज़ें कही है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, भाजपा ने सफाई दी, लेकिन जो सच्चाई है ना, कहते ना सच्चाई छुप नहीं सकती लाख छुपाने से, तो आपको इस बार विशेष ध्यान रखना है जब भी आप वोटिंग करने जाएं। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि युवाओं के साथ तो कम से कम वर्तमान सरकार ने अच्छा नहीं किया है, तो आपको वोट जो है सोच समझ कर देना है, ठीक है, बचना है ऐसी सरकारों से जो घोटाले करती हैं। और इसके अलावा आप जरा फील कीजिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहता हूं कि अगर वर्तमान सरकार विपक्ष में चली जाए 5 साल, तो निश्चित रूप से जब हम भर्तियों की मांग उठाएंगे दूसरी सरकार से, तो निश्चित रूप से हमारी बात जो मांग है वो उठेगी भी। कई बार क्या है, 18 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, लगातार एक ही सरकार जब सत्ता में रहती है तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस बार जब भी आपको वोट देना है तो आपको सोच समझ के देना है। इस खबर के बारे में आप क्या लिखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।